ना, तुम्हें तो तैयार होके आना चाहिए था। लोग क्या कहेंगे? I'm sorry, रानी माँ, हम सबसे माफी मांग लेते हैं। लेकिन सपना, हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमारी सगाई आज नहीं होगी। हमारे इस फैसले से आप सब हैरान तो होंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि बगैर दूल्हे के किसी लड़की की सगाई नहीं होती। सपना बिटिया, के बोल रही से? ए है ना तेरा दूल्हा? ये हमारा होने वाला पति नहीं। हम जिसे शादी करना चाहते हैं, वो शायद हमसे नाराज है, इसीलिए यहाँ नहीं आ सके। मगर वो है कौन? कहाँ का राजकुमार है? वो कहीं के राजकुमार नहीं, एक मामूली आदमी है। मगर उस दिन तो आपने कहा था कि आप किसी राजकुमार से शादी करेंगी, किसी मामूली आदमी से नहीं। दुनिया की नजरों में वो एक मामूली आदमी है, मगर हमारे दिल के राजकुमार है। ये महल, ये रियासत, ये दौलत हमें घुटन का समंदर तो दे सकते हैं, मगर प्यार की एक बूंद भी नहीं। हमारी शादी रात से होगी, यही हमारा फैसला है। आनंद भैया, हमें राज के पास ले चलिए। रुक जा बेटा, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अखबार वाले, पुलिस वाले, इस टाइम पे कोई भी हरकत करना ठीक नहीं है। अभी जाने दे। कितनी बार कहा है कि नाम और काम पूछकर दरवाजा खुला करो। आप रो रहे हैं। हुकुम सिंह, ले जाओ राजकुमारी को। कोई हाथ नहीं लगाएगा हमें, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दीजिए हमें। हुकुम सिंह, सपना, राज, छोड़ दो हमें। सपना, छोड़ो मुझे। मैं, ये क्या हिमाकत है हुकुम सिंह? मजरों की औलाद, झोपड़े में रह के महलों के ख्वाब देखे हैं, राजकुमारी सपना से शादी करेगा? मारो साले को। मंगनी के दिन सबके सामने हमारा सर झुका दिया, इस राजघराने की नाक कटवा दी तुमने, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये मत भूलो सपना कि शक्ति सिंह से तुम्हारा रिश्ता महाराज ने खुद तय किया था। लेकिन रानी माँ, ये कोई राजकुमार नहीं है। आप नहीं जाती रानी माँ,
ये हुकुम सिंह का बेटा है। नकली राजकुमार बन के हम सबको धोखा दे रहा है ये। हमने अपने कानों से सुना है कि शादी के बाद हमें मार डालेगा। अरे सपना बेटी, ये किसने तारे कान रखे? रानी माँ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसे अभी महल से बाहर निकाल दीजिए। आप नहीं जानती रानी माँ, हमें मारने के बाद ये आपको भी मार डालेगा। खामोश, बोलने दो इसे। आप नहीं जाने रानी जी, ये झूठ बोलकर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। सपना, हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अकेले में अब बात ना हो सकेगी रानी, जो होगी सबके सामने होगी। हुकम सिंह, अपनी औकात में रहो। हुकम सिंह औकात पे आ गया तो तारा क्या होगा रानी? हमसे बगावत करने का अंजाम जानते हो? जानू, जेल होगी ना, पर तू भी नहीं बचेगी। महाराज को मारने का हुक्म तो तूने दिया था। हाँ, तारे बाप को मारने का हुक्म इसने दिया था। जबान संभाल के बात करो हुकम सिंह। ए रानी, जबान संभाल कर तू बात कर मेरे बापू से। रानी माँ, आपने हमारे बाबा को ऐसा क्यों किया आपने? रानी माँ, क्यों किया? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और अगर हमारे साथ जबरदस्ती की तो अपनी जान दे देंगे हम। के गजब कर रही से सपना बिटिया, अगर तय मर गई तो इस बुढ़ापे में ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे महाराज। जिस दौलत की खातिर तू महाराज को मरवा सके, उसी दौलत की खातिर ये जाट बुद्धि महाराज को बचा भी सके। हमारे बाबा जिंदा है? भगवान के लिए हमें हमारे बाबा से मिलवा दीजिए। मिलवा देंगे, जरूर मिलवा देंगे सपना बिटिया। हमें हमारे बाबा के पास ले चलिए। हाँ ले चलेंगे, हमें मालूम था कि एक दिन बुड्ढा हमारे बहुत काम आएगा। कौन कौन है? सपना। सपना, आपकी बेटी बाबा। सपना, मेरी बच्ची। बाबा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो उसे। जल्दी चल गड़िए गड़िए, मुझे भूत से मिलना है। बैठ दे टके, भूत को क्यों याद करता है? भूत तेरा प्यो लगता है? नहीं नहीं, यार से मिलना है, यार से मिलना है, यार से मिलना है। उस्ताद जी, ये भूत क्या दिन में भी होते हैं? आओ, बहुत होते हैं। फिर दिखाई क्यों नहीं देते? आईना दिखाऊं? अभी दिख जाएगा। नहीं नहीं, डर जाऊंगा। पैर दे टके, भूत का नाम लिया, तेरा बेहो आ गया। एलिफेंट मांगने का कौन सा तरीका है? उठ, जवाब नहीं देता, देखते ना क्या गड़बड़ है। अरे ये तो कोई बाहू है। हाँ? बेहोश है, क्या करें? हॉस्पिटल ले चले। हॉस्पिटल? हाँ। नहीं नहीं हुकुम सिंह जी, अब आप जो चाहेंगे हम करने को तैयार हैं, बस हमारे बाबा को छोड़ दीजिए। तब ठीक है, कल ही मेरे बेटे के साथ शादी करनी होगी। लेकिन आपको हमारे बाबा को छोड़ना होगा। शर्त ना रखो राजकुमारी, शर्त ना रखो। अब तारी कोई शर्त नहीं चलेगी, अब तो हुकम सिंह का हुकम ही चलेगा। ये जिंदगी एक शतरंज का खेल है, जिसका राजा मारे हाथ में है, और जिसके पास होवे राजा, जीत उसी की है। हुकम सिंह जी, राज सपना से मिलने आया है। राज बच गया? लेकिन अब नहीं बचेगा। मेरी होने वाली बीवी से मिलने आया है, आज मैं उसे जिंदा इसी महल में काट दूंगा। नहीं नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, राज को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। अगर अपने मजनू को बचाना चाहे तो फौरन उसे महल से बाहर निकाल दे। और सुनो, अगर उसने फिर तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसके इतने टुकड़े
हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद राज हमसे कभी नहीं मिलेगा।